स्ट्रेस्ड आउट, एंशियस, ओवरवेल्म्ड। आज के इस मॉडर्न युग में एक एवरेज इंसान मॉडर्न डे स्ट्रेस से अलग अलग लेवल्स पे जूझ रहा है। डेली लाइफ में काम का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज और हेल्थ इश्यूज की वजह से स्ट्रेस्ड आउट हो जाना एक कॉमन फिनोमिनन बन चुका है। आप हर जगह से वही खोखली एडवाइस, पॉजिटिव सोचिए, रिलैक्स कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, सुन सुन के पक चुके हैं, पर स्ट्रेस लेवल्स कम होने के बजाय बस बढ़ते ही जा रहे हैं। वेल, डोंट वरी, आज नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे पर अगर आप इस वीडियो में डिस्कस की गई इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल टेक्निक्स को समझ गए और अप्लाई कर लिया, तो एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के मालिक तो जरूर बन जाएंगे। आज जानिए कैसे इम्प्रूव करना है अपनी थिंकिंग को, कैसे हैंडल करना है नेगेटिविटी और एंजाइटी को, और अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बनाना है हेल्थियर एंड बैलेंस्ड। स्ट्रेस और उससे होने वाली एंजाइटी को आप एक नेगेटिव एनर्जी के तौर पर ही जानते हैं, क्योंकि उसका वही पहलू हमें हमेशा बताया जाता है। बट आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी हर सेंस में नेसेसरीली एक नेगेटिव बात नहीं होती है, बल्कि क्रॉनिक अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस और क्रॉनिक एंजाइटी एक्चुअली होते हैं असली विलेन। अब यहाँ दो वर्ड्स में सारा खेल समाया हुआ है, अनरिजॉल्व्ड एंड क्रॉनिक, एंड ऑफ कोर्स वन लीड्स टू द अदर। आसान भाषा में समझें तो जब किसी भी बात से हुए स्ट्रेस को आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसके हाल पर छोड़ देते हैं बिना कोई एक्शन लिए, तो वो हो गया अनरिजॉल्व्ड। एंड जब आप ऐसा कई हफ्तों, महीनों एंड इन सम केसेस कई सालों तक करते चले जाते हैं, तो वो बन जाता है क्रॉनिक। ऐसे केसेस में आप हो जाते हैं क्लिनिकली एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड। बस इसी से आपको बचना है, और उसके लिए थोड़ी अवेयरनेस एंड थोड़े बेबी स्टेप्स आज हम आपको सजेस्ट करने जा रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स और एंग्जाइटी हमारी बॉडी को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होते हैं, और इसीलिए शुरुआत में ही हमने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि इनको नेसेसरीली नेगेटिव नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसको आप एक नेचुरल मोटिवेटिंग एनर्जी की तरह देखना शुरू कीजिए और अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को एक्नॉलेज करके नेचुरली रिजॉल्व कीजिए। आइए जानते हैं इसकी कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स। नंबर वन, फिक्स योर स्लीप। वेल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गेटिंग 7 to 9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप एवरी नाइट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। इससे आप अपने कॉर्टिसोल लेवल्स, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, रेगुलेट कर पाएंगे, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएंगे, अपने माइंड को रिचार्ज करके फोकस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सैकड़ों रिसर्चेस बताती हैं कि एक अच्छी या खराब मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कारक आपकी नींद होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो चेक कीजिए कि कहीं आपकी स्लीप साइकिल तो गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट टेक्निक है फर्स्ट विन ऑफ द डे। अब यूजुअली लोग नींद ठीक से नहीं लेते और सुबह कुछ बेहाल से उठते हैं, उसके ऊपर से पहला काम करते हैं फोन चेक करना, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, फालतू न्यूज, बॉलीवुड वर्ल्ड अपडेट्स वगैरह। कुछ लोग यही काम डिजिटली ना करके न्यूज़पेपर पढ़ के कर लेते हैं। इससे आप दिन की पहली डोज से ही अपने आप को नेगेटिविटी देना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया की एक वेल नोन डार्क साइड है हाईजैकिंग डोपामिन एंड क्रिएटिंग फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसके अलावा दुनिया भर की नेगेटिव न्यूज को सुबह सुबह कंज्यूम करके आप जाने अनजाने में स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर बैठते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली इन सभी इवेंट्स पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होता, तो इसको कुछ दिन अवॉइड करिए। पर इसकी जगह करना क्या है, फोन्स को उठने के मिनिमम 1 to 1.5 घंटे तक चेक मत कीजिए, उल्टा एक ऐसी एक्टिविटी करिए जो आपके माइंड को रिलैक्स करती हो, उसको अपनी लाइफ में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बनाइए। अभी मेडिटेशन हो या कोई अपबीट या इंस्पायरिंग म्यूजिक हो, थोड़ी एक्सरसाइज हो या मॉर्निंग वॉक हो, या सिर्फ शांति से बैठकर अपना डे प्लान करना हो। इससे ना आप सिर्फ अनवांटेड स्ट्रेस से बचेंगे, बल्कि ऑर्गेनाइज भी रह पाएंगे। अगली टेक्निक है कैफीन मॉडरेशन। अब जनरली लोग सुबह बेड टी या कॉफी पीते ही हैं, और वो आप कर सकते हैं, बट द की हियर इज मॉडरेशन। अब कैफीन हमारी बॉडी के लिए ज्यादा एडवांटेजियस है या हार्मफुल, इसके ऊपर एक एज ओल्ड डिबेट ऑलरेडी चल रहा है, बट उसको आज हम सेटल नहीं करने वाले हैं। बट अगर आप मेरी तरह एक कैफीन लवर हैं, तो ये जान लीजिए कि ये दो चीजों से आपको बच के रहना है, फिर आप अपना कप ऑफ कॉफी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। पहला, कैफीन आप उठते ही मत लीजिए अंटिल यू हैड अ जेनरस अमाउंट ऑफ वार्म वाटर। और दूसरा, कैफीन की क्वांटिटीज को चेक में रखिए। मैं इंडिया के कॉफी लवर्स की कई कम्युनिटीज में एक एक्टिव मेंबर हूँ, और आपको ये बता सकता हूँ कि ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं है कि कितनी कैफीन उनके लिए अच्छी है। हर बॉडी कैफीन से डिफरेंटली इंटरेक्ट करती है, और आप एक बेस्ट जज होते हैं to decide how much is too much. But caffeine से stress का क्या लेना देना है? Well, caffeine एक neurostimulant है। आसान शब्दों में, आपकी body में relaxation या drowsiness के लिए responsible adenosine को caffeine कुछ ही minutes में block कर देती है, thereby making you more alert and energized. But साथ साथ ये आपके adrenaline को भी spike कर सकती है, स्पेशली अगर आप ज्यादा क्वांटिटीज में caffeine ले रहे हैं। और ठीक इसी वजह से आप कई बार anxious भी feel कर सकते हैं।
तो इसको एक मॉडरेशन में लेना ही आपके स्ट्रेस लेवल्स को चेक में रखेगा। नेक्स्ट फ्यू टेक्निक्स हैं खुद को थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप उन टास्क को जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं आइडेंटिफाई कीजिए कि वो अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट। इसके लिए मैं आपको एक क्विक स्निपेट अपने प्रोक्रेस्टिनेशन पर वीडियो से दिखाता हूँ। आइजनहावर मैट्रिक्स ये हर एक काम को अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट टास्क में बांटता है। ऐसा काम जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको आप इमीडिएटली करिए। ऐसा काम जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन बिल्कुल अर्जेंट नहीं, उसको आप शेड्यूल करिए, जैसे एक्सरसाइजिंग। ऐसा काम जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, उसको आप डेलीगेट करिए, यानी किसी और से करवा लिए, जैसे कुछ ईमेल्स का रिप्लाई करवाना। ऐसा काम जो ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट, उसको आप अपनी लाइफ से डिलीट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल वीडियो गेम्स खेल। इस पूरे वीडियो को आप आई बटन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। याद रखिए मल्टीटास्किंग डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीटास्किंग करने की जगह सीक्वेंशियल टास्किंग की पावर को समझिए। आप खुद को एक टाइम पे एक काम को पूरे फोकस के साथ करने के डिसिप्लिन में आइए। अब जो टास्क आपको अर्जेंटली करने हैं उनको प्लान करके अपने बेस्ट एफर्ट्स दीजिए और रिजल्ट को भूल जाइए। अब या तो आप उसको अचीव कर लेंगे या उससे कोई ना कोई लर्निंग आपको मिल ही जाएगी। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आप दोनों ही केसेस में विनर ही होंगे। नेक्स्ट टेक्निक है टू मेक अ टू डू लिस्ट। अब ये जितना बेसिक साउंड करता है उतना ही इफेक्टिव प्रूव हो सकता है अगर आप इस हैबिट में आ जाएं, जहां के आप अपने छोटे छोटे टास्क को भी एनलिस्ट करें और उनको कंप्लीट हो जाने पर इस लिस्ट से चेक कर दें। इससे आप अपने माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। दैट रिलीव्स यू फ्रॉम स्ट्रेस। इसी से जुड़ी है हमारे नेक्स्ट रिकमेंडेशन टू कीप द स्ट्रेस लेवल्स लो। पर उससे पहले अगर अब तक आपको इस वीडियो से कुछ इनसाइटफुल टिप्स मिल रहे हैं तो 5 सेकंड निकाल के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमारे छोटे से चैनल को YouTube एक बड़ी ऑडियंस को रेकमेंड करता है और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाने के लिए और भी मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है लर्न टू से नो। ये एक एक्सट्रीमली क्रूशियल टेक्निक है जो जनरली अंडर एस्टिमेट की जाती है। आपको देखना है कि कौन से काम आपके लिए प्रोडक्टिव ना होने पर भी आप पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल प्रेशर में आकर हाँ बोल देते हैं, मगर वो अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस रिस्पांस को ट्रिगर कर देता है। कोई फैमिली ऑब्लिगेशन या सेरेमनी जिसमें आप नहीं जाना चाहते हैं उसको आप पूरी इज्जत से डिक्लाइन कर सकते हैं। ऑफिस का कोई ऐसा टास्क जो आपसे आउट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया रिक्वेस्ट किया जाता है उसको भी आप रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह कोई भी ऐसा काम जो आपके स्ट्रेस या एंजाइटी को ट्रिगर करता है उसको नो बोलना आपका हक है। ऐसा करने से बहुत जल्दी यू विल बी थैंकफुल टू योरसेल्फ। क्या आपको भी कभी ना नहीं बोलने की वजह से अनवांटेड स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में मी टू लिखकर हमको बताइए। नाउ नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट नीडेड टेक्निक्स फॉर एनीवन एंड दैट इज टू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ एंड योर पैशंस। अब हर कोई अपने अंदर किसी ना किसी तरह का पैशन या रुझान रखता ही है और इस बिजी लाइफ में हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ओवरवेल्म हो जाते हैं कि लाइफ को बिल्कुल ट्रांजैक्शनल ही बना बैठते हैं। तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम उन कुछ चीजों के लिए भी टाइम निकालें जो हमें खुशी देती है। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह के इंक्लिनेशंस रखते हैं। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं तो राइटिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, स्केचिंग, सिंगिंग, डांसिंग, डिजाइनिंग एटसेट्रा में उनका पैशन होता है। कुछ लोग स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, बेकिंग, निटिंग एटसेट्रा में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट्स कोई भी हो पर उन्हें फ्यूल करने से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स लो रहेंगे, आप रिलैक्स्ड भी रहेंगे और खुश भी। तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अपने किस पैशन को फ्यूल करते हैं स्ट्रेस लेवल्स को लो रखने के लिए। अगर आपको हमारा मेंटल हेल्थ पे ये वीडियो अच्छा लगा तो इस प्लेलिस्ट में आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जैसे गैस लाइटिंग और इम्पोस्टर सिंड्रोम। उनको जाकर चेक करिए। स्टे सब्सक्राइब एंड अनलॉक द 2.0 यू।